मंडी जिला में बेसहारा पशु काफी तादाद में इधर उधर घूमते हैं। वहीं इन बेसहारा पशुओं को भी कई प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला उपमंडल सरकाघाट के अंतर्गत आंबलागलू में सामने आया है। आंबलागलू में बेसहारा पशुओं की संख्या लगभग 15-20 है। उनमें से एक बैल के मुंह पर बहुत बड़ा जार है, जिससे कि दूसरे बैलों को भी खतरा है। अगर आम जनमानस की बात करें तो आंबलागलू में लोगों का काफी आना जाना रहता है, क्योंकि यहां पर बाजार है और बस स्टॉप भी है। ये जार बीमारी से ग्रसित बैल 24 घंटे आंबलागलू में रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व सरकार और समाज सेवियों से मांग की है कि इस बैल का इलाज करवाया जाए, ताकि बेसहारा पशु इस जार बीमारी की चपेट में ना आए तथा आम जनमानस का जीवन भी सुरक्षित हो। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भामला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।